हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये फर्स्ट लेक्चर है अपना, और याद रखना इसको अच्छे से, नोट्स में कॉपी करना, और इसके बाद जो मैं ग्रुप में असाइनमेंट डालूँगा उसको तुरंत नोट्स पढ़ के सॉल्व करना। और काफ़ी सिंपल है, बट क्या होगा कि कब ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलके, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, एक भी लेक्चर मिस नहीं होने चाहिए। और जिस तरीके से सिस्टमेटिक वे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी तरीके से आपको कॉपी में नोट करना है, और उसके तुरंत बाद वो जो क्वेश्चन भेजे जाए उनको आपको अटेंड करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर है वो है IUPAC नॉमनक्लेचर। उसमें जो अपना सेक्शन है वो है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। कुछ सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, आपको ऑलरेडी मालूम होगा, देख लो जरा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो टोटल एक पेयर, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। और दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा होता है। दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा होगा, ये याद रखना। और जैसे अगर मान लो कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा और बाकी के दोनों बॉन्ड पाई होंगे। तो देखो जरा CH4 कैसा होता है, C के साथ चार हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे, 4। और अगर आप C2H6 देखोगे तो C2H6 में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और 6 हाइड्रोजन, तीन तीन हाइड्रोजन दोनों से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 3, 3+6 और 1, 7, और इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। सेकंड होता है पाई बॉन्ड, एनी अदर बॉन्ड विद द सिग्मा बॉन्ड इज पाई। अगर सिग्मा के साथ कोई बॉन्ड है, जैसे अगर बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेट से लाइक दिस, तो फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज सिग्मा, उसके साथ फिर जो भी बॉन्ड होगा उसी के साथ वो हमेशा पाई होगा। मतलब दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा और दूसरा, तीसरा, चौथा वो सब पाई होंगे। तो एनी अदर बॉन्ड विद सिग्मा बॉन्ड, एनी अदर बॉन्ड विद सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज पाई। सेकंड थर्ड बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज ऑलवेज पाई बॉन्ड। फॉर एग्जांपल C2H4, अगर अपन C2H4 का एक मॉलिक्यूल लें, तो बेटा C2H4 में देखो ये वाला जो बॉन्ड है वो फर्स्ट बॉन्ड है बिटवीन दीज टू एटम, तो दिस इज सिग्मा। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो सिग्मा। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो सिग्मा। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो सिग्मा। दिस इज फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा एंड दिस इज सेकेंड बॉन्ड, तो दिस विल बी पाई। तो इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक पाई होगा। इसी तरीके से देखो इथाइन मॉलिक्यूल में जो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन में दो कार्बन होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं, दोनों में एक एक हाइड्रोजन होता है और वो ट्रिपल बॉन्ड से रहता है। तो बेटा ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। और फर्स्ट बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और ये दो क्या हो जाएंगे, पाई। तो एसिटिलीन में 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। एसिटिलीन में 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, जबकि एथिलीन में 5 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। तो आई थिंक सिग्मा पाई आप पहचान लोगे, सीधा सीधा है, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज ऑलवेज सिग्मा, और उसके बाद एक बॉन्ड उन दोनों एटम के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी बॉन्ड बनेंगे वो सारे क्या होंगे, पाई। पहला बॉन्ड कभी पाई नहीं बनता है दो एटम के बीच में, ये की पॉइंट है। देखो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। हमेशा याद रखना कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 होगी, तो क्या होगा, CH को आप कैसे लिखोगे, H सिंगल बॉन्ड C,
हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा वन होगी, कार्बन की चार होगी। तो देखो एक वैलेंसी यहाँ कार्बन की हो गई, तीन यहाँ हो गई, तो इस साइड एक और यहाँ पे दो और एक तीन, तो एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे दो और एक तीन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, यहाँ एक हुआ है तो तीन हाइड्रोजन होंगे। बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं देखो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज ऑलवेज सिग्मा। और पाई कितने होंगे, दो इसमें, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन में से एक सिग्मा दो पाई, और यहाँ पे दो हैं तो एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल पाई बॉन्ड होंगे तीन और सिग्मा बॉन्ड होंगे 10। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, CH3, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ ये दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, फिर डबल बॉन्ड, फिर C सिंगल बॉन्ड H, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। इसमें जो आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सिग्मा 2 पाई, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, हर एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं। एक देखो कार्बन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विद वन अनदर फॉर्मिंग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो अगर आप कैटेनेशन देखोगे, कैटेनेशन अगर आप देखोगे तो इस तरीके से देखो हम बोल सकते हैं, कार्बन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत सारे बनते हैं। कौन से बॉन्ड बनते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड उसमें बहुत सारे बनते हैं। तो कार्बन की इस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को, कार्बन की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। कार्बन की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। और ये बेटा सबसे ज़्यादा टेंडेंसी कार्बन की ही होती है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो सेल्फ लिंकेज है, देखो कार्बन कार्बन, कभी आपने ऐसे देखा क्या, क्लोरीन 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 और क्लोरीन, तो जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है वो कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है। बेटा जेई में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी और टेंडेंसी। तो याद रखना एक बात बेटा, डाउन द ग्रुप आने पर कहें शिवजी सुने पार्वती, कहें शिवजी सुने पार्वती, डाउन द ग्रुप बेटा कैटेनेशन घटता है, डाउन द ग्रुप कैटेनेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये जेई में कई बार आ चुका है। तो किसी भी ग्रुप में आप देखो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, इसमें भी कैटेनेशन क्या होगा, घटेगा। हर एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप आने पर कैटेनेशन क्या होगा, घटेगा। और कार्बन का कैटेनेशन मैक्सिमम होता है, कार्बन का कैटेनेशन मैक्सिमम होता है। सिलिकॉन में भी ठीक ठाक होता है, आपने ये सल्फर में भी देखा होगा, सल्फर में एसेट लिंकेज बनता है, क्या बनता है, एसेट। तो सेकंड और थर्ड पीरियड में काफी अच्छा होता है, डाउन द ग्रुप आपका कैटेनेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखना, सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी ऑफ एटम्स, खुद का खुद से जुड़ने की जो सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी है उसको कैटेनेशन कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करने पर जो आपका कैटेनेशन का एबिलिटी है वो डिक्रीज होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो नेक्स्ट इसमें सेक्शन है होमोजीनियस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज मे बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इन विच द मेंबर पोजेसेस द सेम फंक्शनल ग्रुप। होमो लगा सीरीज का मतलब क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, एंड रेगुलर अपग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा समझ लो इसको सीधा सीधा, जैसे मीथेन है, तो मीथेन आपको मालूम है एल्केन है, तो उसका जो नेक्स्ट एल्केन है वो कौन सा होता है, इथेन। उसका नेक्स्ट एल्केन कौन सा होता है, प्रोपेन। उसका नेक्स्ट एल्केन ब्यूटेन। ऐसे आप 100-200 कार्बन आप बढ़ा सकते हो। तो इस जो सीरीज को बोलेंगे वो बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, एल्केन। बट अब अगर एल्केन है तो बेटा इनमें क्या होगा, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है सब में एल्केन है,
मतलब मैं फंक्शनल ग्रुप से हूँ मैं, जैसे सब में अल्कोहल हूँ, जैसे ये देखो CH3OH ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH। तो बेटा इन सब में क्या खास बात है, इन सब में अल्कोहल है, इसका मतलब क्या है, ये होमोलोगस सीरीज हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो यही है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, मतलब वो देखने में सेम होने चाहिए। अगर ये अल्कोहल है तो अल्कोहल होने चाहिए सारे, एल्कीन है तो एल्कीन होने चाहिए, अल्काइन है तो अल्काइन होने चाहिए, और एल्कीन अल्काइन एल्केन अल्कोहल एसिड कुछ भी हो वो सब में सेम होना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम। अब बेटा अगर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज तो होंगी बिकॉज ऑल आर एल्कोहल्स। तीसरा, रेगुलर अपग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो जरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मास पे डिपेंड करते हैं, मास तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होना चाहिए, रेगुलर अपग्रेडेशन। रेगुलर अपग्रेडेशन क्यों, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, CH2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, CH2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, CH2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, CH2 का। इसका मतलब मास में जो अपग्रेडेशन हो रहा है वो रेगुलर है, तो फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी रेगुलर अपग्रेडेशन होना चाहिए। तो होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइंड एज सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इन विच मेंबर पॉजिसेस द सेम फंक्शनल ग्रुप हैविंग सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रेगुलर अपग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, द टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज विल बी डिफर इन द मॉलिकुलर फॉर्मूला बाई CH2 ओनली। ये अपन देख चुके हैं, देखो मैंने एक होमोलोगस सीरीज लिखा है एल्केन का, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, एल्कीन का इथीन एक कार्बन का एल्कीन नहीं होता है, आप सबको मालूम होगा, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन। तो ये है होमोलोगस सीरीज। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि CH3COOH है, इसका नेक्स्ट, इसका जो होमोलोगस सीरीज होगा उसमें इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, तो आप क्या करो, CH3 में क्या ऐड कर दो, CH2, और एज इट इज रख दो। तो CH3COOH था उसमें आप क्या ऐड कर दो, CH2, तो दिस विल बिकम C2H5 CWH। अगर आपसे पूछा जाए अगर ये किसी सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका फिफ्थ एलिमेंट कौन सा होगा, तो पहले वाला निकाल ले, ये फर्स्ट है तो सेकंड में क्या होगा, एक CH2, थर्ड के लिए क्या होगा, दो CH2, फोर्थ के लिए क्या होगा, तीन CH2, और फिफ्थ के लिए क्या होगा, चार CH2। तो चार CH2 ऐड कर दो इसमें, आपका आंसर आ जाएगा। तो होपफुली ये आपको होमोलोगस सीरीज समझ आ गया होगा। अब देखो एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल तरीका, एक सेक्शन है छोटा सा, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें जो होगा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें देखो देखो जैसे समझो जरा, कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऐसा फॉर्मूला लिखा मिलेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, डरना मत इससे। और इसका ट्रिक क्या होता है, ध्यान से सुनो, जो भी बेटा जिस पॉइंट पे कट होता है या जहां पे टर्न होता है या जो मीटिंग पॉइंट होता है वहां पे एक कार्बन होगा, और जो एंड पॉइंट होंगे उन पे भी क्या होगा, एक कार्बन। क्लियर है, ये सब एंड पॉइंट है और ये मीटिंग पॉइंट है, कार्बन हो गए, और बाकी ये हो गया, बाकी जितने बॉन्ड बन चुके हैं वो बना लो, बाकी सब में हाइड्रोजन डाल दो। कार्बन की चार वैलेंसी पूरी करनी है, इसकी तीन हो गई है, एक एक हो गई है, तो सब में तीन तीन हाइड्रोजन डाल दिए। तो बेटा ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, और
कंप्लीट कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म, मतलब इसमें तो बेटा आप कुछ बचा ही नहीं है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्म। इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो सी है इसको ऐसे लिखा, और इस सी में कितने सी एस थ्री जुड़े हैं बेटा, चार। इस फॉर्म को बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, कंडेंस्ड फॉर्म। तो बेटा कितने टाइप की फॉर्म हो गए, कंडेंस्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म और बॉन्ड लाइन फॉर्म। जैसे अब अगर ये बात करी जाए, मान लो ये एक फॉर्म है, तो ये बेटा ये कौन सा फॉर्म है, ये अभी क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्म, यस और नो। अब अगर देखा जाए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना हो, तो देखो बेटा एक कॉर्नर, एक टर्न, एक कॉर्नर, ये सब टर्न है, हर एक टर्न पे क्या होगा, कार्बन, एंड पॉइंट पे भी क्या होगा, कार्बन। तो इसमें बेटा कितने कार्बन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देख लो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बेटा किसके कितने हाथ ऑलरेडी है, इसका एक हाथ बना है तो तीन हाथ में क्या दे दो, हाइड्रोजन, इसका वैलेंसी पूरा। इसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन, इसमें एक ही हाइड्रोजन क्योंकि तीन बॉन्ड है, इसमें तीन बनाने पड़ेंगे, चार से जितने काम हो उतने हाइड्रोजन डाल दो। इसमें कितने डालने पड़ेंगे, तीन, इसमें कितने डालने पड़ेंगे, तीन, इसमें कितना डालना पड़ेगा, एक। तो समझ गए। अब इसका अगर वैसा फॉर्म लिखना हो आपको तो क्या होगा, सबसे पहले देखो सी एच थ्री, फिर क्या हो गया सी एच टू, फिर क्या हो गया सी एच, और सी एच पे क्या लगा है सी एच थ्री, फिर क्या है सी एच टू, सी एच टू के बाद क्या है सी एच, और सी एच पे कितने सी एच थ्री लगे दो। तो बेटा ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा आपका, ये कौन सा फॉर्म होगा, कंडेंस्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म था, बॉन्ड लाइन फॉर्म, और ये कौन सा होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखो यही लिखा है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इन दोनों का बनाना था। मैंने क्या करा, एक कार्बन लिखा और चार मिथाइल लगे हुए हैं, उनको एक्सपेंड करके लिख दिया। इसमें क्या था, दो कार्बन थे और छह मिथाइल लगाने, तो तीन तीन दोनों में लगा दिए, देखो ध्यान से। नेक्स्ट ये क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्म, इसी का कैसे, ये कार्बन हो गया बीच वाला, और ये तीन क्या हो गए, चार क्या हो गए, कार्बन, और इनके कार्बन में कितने कितने हाथ होंगे, तीन तीन हाइड्रोजन होंगे। तो ये देखो इसका कंडेंस्ड फॉर्म है, ये इन्हीं के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, देख लो, आई थिंक समझ गए होगे। एक कार्बन में चार मिथाइल, एक कार्बन में चार मिथाइल, एक कार्बन में चार मिथाइल, नेम अलग अलग है, रिप्रेजेंटेशन सेम है, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे फॉर्म में लिख दिया करो। दो कार्बन, दोनों में तीन तीन मिथाइल, दो कार्बन छह मिथाइल है, दो कार्बन में छह मिथाइल है, तो पर कार्बन तीन तीन मिथाइल, तीन तीन मिथाइल, पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में डाल दिया, यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्म में डाल दिया तीन तीन मिथाइल, और यहाँ पे सी टू सी एस थ्री होल सिक्स कर दिया। अब देखो जरा आगे, एक कंपाउंड दिया सी एस थ्री सी एच टू सी ओ सी एच टू सी एस थ्री। अब ये क्या है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सी एस थ्री हो गया बेटा, देखो सी एस थ्री सी एच टू, ये सी ओ, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, ये सी एच टू, ये सी एस थ्री, ये पूरा बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में एक बात और याद रखना आप लोग, एक्सपेंडेड फॉर्म में जितने भी सिंगल बॉन्ड है उनको एक सिंगल डैश से, डबल बॉन्ड को डबल डैश से, और जो हेट्रो एटम होंगे लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन उनको विद लोन पेयर लिखना होता है। मतलब ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाएगा और उसमें दो लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन हमेशा तीन बॉन्ड बनाएगा और उसमें एक लोन पेयर होगा। ये बात आप याद रखना, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको क्या मेंशन करना रहता है, आपको ये मेंशन करना रहता है कि उसमें लोन पेयर कितने हैं। हाँ, बॉन्ड लाइन फॉर्म वगैरह में और आपका कंडेंस्ड फॉर्म में आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। देखो इसको बॉन्ड लाइन फॉर्म में कैसे लिख देंगे, ये हो गया सी एस थ्री सी एच टू सी ओ सी एच टू सी एस थ्री। इसी को कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिख देंगे, सी एस थ्री सी एच टू सी ओ सी एच टू सी एस थ्री। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना तो ये आपको आ जाएगा।
कंडेंस्ड फॉर्म और इस तरीके से। देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो क्या होगा। पहले मैं कार्बन लिख रहा हूँ, ये एंड पॉइंट जो है वहां पे तो एक कार्बन हो गई होगा, जहां पे ब्रेक होता है मतलब ट्विस्ट होता है वहां पे भी एक कार्बन होता है, और जो मीटिंग पॉइंट होता है दो लाइन का वहां पे भी एक होता है। क्या क्या? एंड पॉइंट, टर्न पॉइंट और मीटिंग पॉइंट, सब जगह कार्बन होगा। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद है ना, 1 2 3 4 5, ये बना दिए 5 यहाँ से, 1 2 3 4। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा होगा बेटा ये, है ना, सारे पॉइंट बना दिए। अब इसके कितने हाथ बाकी हैं? 3। तो 3 हाइड्रोजन डाल दो। इसके कितने बाकी हैं? 2। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन डाल दो। इसके कितने बाकी हैं? 3। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन डाल दो। यहाँ कितने बाकी हैं? 2। तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बाकी हैं तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बाकी हैं तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बाकी हैं, यहाँ पे 2 बाकी हैं, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी 4 है, तो कोई मतलब नहीं है। अब एक और सुंदर बात देख लो। एक होता है बेटा 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन होता है ऐसे कार्बन विच इज अटैच्ड टू 1 कार्बन ओनली। 1 डिग्री कार्बन कौन होगा? ऐसे कार्बन जो एक ही कार्बन से अटैच हो। 2 डिग्री कार्बन, ऐसे कार्बन विच इज अटैच टू 2 कार्बन ओनली। 3 डिग्री कार्बन, ऐसे कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच हो। 4 डिग्री कार्बन और क्वार्टरनरी कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच हो। तो बेटा आप ध्यान से देखना जरा, यहाँ ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये आपका 4 डिग्री कार्बन है, क्वार्टरनरी कार्बन है। देखो इस कार्बन के चारों हाथ किससे जुड़े हुए हैं? कार्बन से। तो दिस इज योर क्वार्टरनरी कार्बन। ये वाला कार्बन बताओ कौन सा है? इसका एक ही हाथ कार्बन से, तो दिस विल बी, सॉरी, एक हाथ ये कार्बन से, एक हाथ ये कार्बन से, तो ये क्या होगा? 2 डिग्री। ये वाला कौन सा होगा? 1 डिग्री। जिसका एक ही वैलेंसी, ऐसा कार्बन जिसका एक ही वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच्ड है वो 1 डिग्री कार्बन, और ऐसा कार्बन जिसकी 2 वैलेंसी इस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 डिग्री कार्बन होगा, और ऐसा कार्बन जिसके 3 हाथ में कार्बन है और एक ही हाथ में हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री, और जिसके चारों हाथों में कार्बन है वो क्वार्टरनरी और 4 डिग्री। तो आई थिंक समझ गए होगे। सिमिलरली 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री का हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन में जो अवेलेबल हाइड्रोजन है वो होंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन, और क्वार्टरनरी 4 डिग्री कार्बन में तो होंगे ही नहीं, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी नहीं होगा। तो ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट होता है, बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। देखो सी एच सी एस थ्री और CH2CH3। बेटा क्वेश्चन ये है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन, इसमें कितने हैं? और जब ये पता चल जाएगा तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री हाइड्रोजन, ये नंबर आपको बताना है। देखो बेटा बहुत आसान है। ये कार्बन देखो बेटा, इस कार्बन के हाथों में 3 तो हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन एक ही है, सो दिस विल बी 1 डिग्री। ये कार्बन देखो जरा ध्यान से, एक ये कार्बन से अटैच्ड है, एक इस साइड, एक इस साइड, तो ये कितना डिग्री हो गया बेटा? 3 डिग्री। ये ढंग से देखोगे तो 4 डिग्री नजर आएगा आपको, क्योंकि इसके चारों बॉन्ड कार्बन से हैं। ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री,
ये आपका 1 डिग्री और ये आपका 1 डिग्री। जो टर्मिनल वाले कार्बन है वो तो हमेशा 1 डिग्री होंगे, क्योंकि टर्मिनल है तो एक ही तरफ से तो जुड़ा है। और जो इंटरमीडिएट है वो 2 डिग्री हो सकते हैं, और 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो दिस इज 2 डिग्री एंड दिस वन इज 3 डिग्री। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं 1 डिग्री काउंट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 6। 2 डिग्री कार्बन 1, 3 डिग्री कार्बन आई गेस 2, और 4 डिग्री कार्बन 1। टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये नंबर अपना कितना होना चाहिए? 10। क्लियर है? अब हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन में 3-3 हाइड्रोजन है, तो 6 में कितने हो जाएंगे? 18। 2 डिग्री कार्बन में बेटा हमेशा 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 1 2 डिग्री कार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। 3 डिग्री कार्बन को ढंग से देखो, एक कार्बन में एक ही तो जगह बची है तो एक हाइड्रोजन होगा, तो 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन होंगे। और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो एप्लीकेबल ही नहीं है, होगा ही नहीं, तो टोटल हाइड्रोजन इसमें कितने हुए? 22। अब आप ध्यान से देखो, अगर एक एल्केन में 10 कार्बन है तो 22 हाइड्रोजन है, और इस तरीके से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन आप बता सकते हो। अब देखो, इसमें एक छोटा सा सेक्शन है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DU और DBE। अच्छा, इसमें बेटा एक बात याद रखना, या भी आप ये मत सोचना कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आइसोमेरिज्म के लिए एंड स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो अभी आप कर लो इसको। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या तो DU या DBE। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी चैप्टर में यूज होगा, आप इसको निकालने का तरीका समझ लो पहले। सेचुरेटेड फॉर्म होता है किसी भी कंपाउंड का CnH2n+2। अगर उसमें n कार्बन है तो मैक्सिमम 2n+2 हाइड्रोजन हो सकते हैं, और इसको एल्केन का फॉर्मूला भी बोलते हैं, और एल्केन को ही सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है? अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो किसी भी कंपाउंड को सैचुरेटेड करने के लिए हमें इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, और अगर इस फॉर्मेट में कोई ऑलरेडी है तो उसका DU क्या होगा? 0, और DBE क्या होगा? 0। अब देखो, पहला क्वेश्चन, C6H6 4H2, अगर आपने डाला तो दिस विल बिकम, अब देखो अगर कार्बन 6 है तो उसको कंप्लीटली सैचुरेटेड होने के लिए कितना चाहिए? 2n+2, वेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो 2 × 6+2, तो मतलब 14। अब आप ऐसे सोचा करो कि 6 से 14 जाने के लिए H2 के कितने मोल चाहिए? 4। तो बस इसका DU 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक इट सैचुरेटेड। अब अगला देखो, C10H8। अब बेटा 10 कार्बन के कंपाउंड को सैचुरेटेड होने के लिए 22 हाइड्रोजन चाहिए, और यहां है कितने? 8। तो 22 - 8 कितना होगा? 14 हाइड्रोजन। तो कितने मोल H2 रिक्वायर्ड है? 7। तो इस कंपाउंड का DU कितना होगा? 7। अब आप बोलोगे कि सर कार्बन हाइड्रोजन वाले तो हम कर लेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो अगर आपसे बोला जाए C100 H100, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है? C100 और H, अगर C100 है तो H कितने होने चाहिए? 202। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 102। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? 51। तो इसका DU कितना आ जाएगा? 51, है ना? तो ये तो बड़े आराम से हम कर लेंगे, लेकिन अगर नाइट्रोजन फैमिली का कोई है हाइड्रोजन, आप याद रखना NOX, क्या याद रखना? NOX, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैलोजन। नाइट्रोजन है तो उसको जितने भी नाइट्रोजन है पर नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन से उसको माइनस कर देना, ऑक्सीजन को फ्री में गायब कर देना, मतलब ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देना 0 हाइड्रोजन से, और हैलोजन जितने भी हैलोजन है उनको पर हाइड्रोजन के हिसाब से रिप्लेस कर देना। ये मैंने आपको की पॉइंट बता दिया है। क्या है इसका मतलब? कि जितने भी बेटा कंपाउंड में नाइट्रोजन हो उसको -1 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना, जितने भी ऑक्सीजन हो उनको 0 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना, और जितने भी हैलोजन हो उनको +1 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना। और ना केवल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार,
अगले में NOX, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन का पूरा परिवार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, हेलोजन, फिर कल बाहर आई आंटी। तो बेटा अगर कोई नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट आपको दिखे, आप नाइट्रोजन फैमिली वाले को -1H से O को 0, O मतलब 0, 0 मतलब 0 से उड़ा देना इसको, और इसको +1 हाइड्रोजन से। तो हेलोजन जितने भी हों, जैसे दो हेलोजन है तो उनकी जगह दो हाइड्रोजन डाल देना। देखो जरा इसके तीन एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखो, C5H5N है, बताओ एन को किससे उड़ाना था, -1 हाइड्रोजन से। तो बेटा क्या बचेगा, -1N में एक माइनस हाइड्रोजन कम कर दो। तो हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन है तो उसकी जगह एक हाइड्रोजन आप कम कर देना, तो दिस विल बिकम C5H4। अब C5H4 को सेचुरेटेड करने के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, C5H12, मतलब 8 हाइड्रोजन, मतलब 4H2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब बेटा इसका DU कितना होगा, 4, तो इसका DU कितना होगा, 4। बात समझ आ रही ना, जितने भी नाइट्रोजन हो, जितने भी नाइट्रोजन हो उसको -1 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना, फिर आपका कार्बन हाइड्रोजन बचेगा, कार्बन हाइड्रोजन बचेगा उसको आप हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करके ये आप चेक कर लेना कितने H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, C6H5Cl, बेटा हेलोजन को किससे रिप्लेस करने को बोला था, +1 हाइड्रोजन से। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, C6H6, एक क्लोरीन गायब एक हाइड्रोजन आया। C6H6 चाहिए कितना, C6H14, इसका मतलब आपको 8 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, मतलब 4H2 मोल, तो DU कितना आ जाएगा, 4। नेक्स्ट C10H10O2, ऑक्सीजन को बेटा किससे रिप्लेस करने को बोला था, फ्री में रिप्लेस कर दो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की कोई वैल्यू नहीं है, ऑक्सीजन जीरो है, सो ऑलरेडी दिस विल बी C10H10। अब C10H10 को सेचुरेटेड करने के लिए C10H22 चाहिए, और C10 अगर H22 चाहिए तो 6H2 चाहिए, और 6H2 चाहिए तो इसका DU6 होगा, तो इसका DU6। मतलब सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन को -1 हाइड्रोजन से रिप्लेस करो, ऑक्सीजन को 0 हाइड्रोजन से, और हेलोजन को +1 हाइड्रोजन से रिप्लेस करो। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट DU और DBE इन फॉलोइंग कंपाउंड। मैंने एक कंपाउंड लिया है, ये अगर आप ढंग से देखोगे तो एथिलीन है, एथिलीन है मतलब C2H4, C2H4 मतलब 1 मोल H2 रिक्वायर्ड फॉर C2H6, तो DU कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, अगर बेटा कहीं पे एक डबल बॉन्ड है, किसी भी कंपाउंड में अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसका DU कितना आ रहा है, 1। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है, HC CH, तो दिस इज C2H2। C2H2 को सैचुरेटेड होने के लिए कितने मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए। C2H6 बनाने के लिए इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन मतलब 2 मोल ऑफ H2, तो 2 मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सैचुरेशन। इसका मतलब बेटा ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है DU2, सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है DU1। अगर एक किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक डबल बॉन्ड है इसका मतलब उसमें एक DU है, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब उसमें 2 DU है। अगला देखो, ये साइक्लोप्रोपेन बना हुआ है रिंग, CH2 CH2 CH2, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H6। C3H6 को कम्प्लीटली सेचुरेटेड होने के लिए C3H8 करना पड़ेगा, मतलब H2 का 1 मोल, सो अगेन 1 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीट सेचुरेशन, सो DU इज इक्वल टू 1। तो ये आपका एक बेटा की पॉइंट बन गया, ये क्या क्या की पॉइंट बन गया, एक डबल बॉन्ड मतलब एक DU, एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब बेटा 2 DU, एक रिंग मतलब एक DU। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चन लिए हैं। देखो जरा, कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड। मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, इसमें देखो इसमें आपको कितने ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड का DU कितना आएगा, 1, एक ट्रिपल बॉन्ड का DU कितना आएगा, 2, सीधा सीधा आंसर बेटा आपका क्या आएगा, 3। आई थिंक समझ आ गया होगा। अगला देखो बेटा, सेकंड कंपाउंड, इसमें रिंग कितनी दिख रही है आपको, एक, डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, एक, तो डबल बॉन्ड के लिए DU कितना होता है, 1, और रिंग के लिए कितना होता है, 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। अगला देखो बेटा, इसमें आपको डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, एक भी नहीं, ट्रिपल बॉन्ड एक भी नहीं, रिंग कितनी है, 2, तो 2 रिंग मतलब DU कितना हो जाएगा, 2। चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें बेटा कितने ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितने, 1, 2, 3, 3 डबल बॉन्ड,
रिंग कितना, एक, तो टोटल डीयू कितना हो जाएगा, चार। देखो कितने लड्डू क्वेश्चन है। अदरवाइज आप इसमें कार्बन हाइड्रोजन काउंट करोगे फिर फॉर्मूला लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो डायरेक्टली आप यूज करो। यहाँ देखो फिफ्थ क्वेश्चन में पाई बॉन्ड कितने हैं, मेरे को तो तीन दिख रहे हैं और मेरे को एक रिंग दिख रहा है, तो तीन पाई बॉन्ड एक रिंग, मतलब डीयू कितना हो गया, चार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, इसमें बेटा देखो एक रिंग है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का एक डीयू, इस डबल बॉन्ड का एक डीयू, इस रिंग का एक डीयू और इस ट्रिपल बॉन्ड का दो डीयू, टोटल काउंट कर लो पांच आ रहा होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप डीयू देख के बता सकते हो। इस रिंग का एक, इस डबल बॉन्ड का एक, इस ट्रिपल बॉन्ड का दो, बस इतना सा काम करना है आपको, ऐड करना है, कितना आ जाएगा, फोर। इसमें देखो इसका, इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड, क्या कोई कहीं रिंग दिख रहा है, नो, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड एक भी नहीं, तो इसका डीयू कितना होगा, वन। इसमें बेटा एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, एक रिंग ये है, हर एक डबल बॉन्ड की कीमत क्या है, एक डीयू, एक रिंग की कीमत क्या है, एक डीयू, टोटल कितना हो गया, चार। तो ये आपका सेवेंथ क्वेश्चन था, ये एट्थ क्वेश्चन था, ये नाइन्थ क्वेश्चन था और ये देखो टेंथ क्वेश्चन। इसमें मेरे को पांच डबल बॉन्ड दिख रहे हैं और दो रिंग दिख रही है, तो टोटल डीयू कितना आ जाएगा, सेवन। इससे ज्यादा आसान आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तीन डबल बॉन्ड और एक रिंग, एक रिंग का एक, तीन डबल बॉन्ड का तीन, तो टोटल कितना हो गया, चार। अब देखो जरा ये लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा क्यूबीन, क्यूबेन, जैसे एल्केन होता है वैसे क्यूबेन, ये क्यूब है, क्यूब है, तो इसमें बेटा कितने कॉर्नर होंगे, आठ, आठ कॉर्नर है, तो इसमें कार्बन कितने हो गए, आठ। ये एक्चुअली में यहाँ कोई टर्न पॉइंट नहीं है, ये क्यूबेन है, थ्री डायमेंशन में देखो तो एक फेस ये आगे है, एक फेस पीछे, एक फेस यहाँ, एक फेस यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये मत बोलना सर ये तो कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया, यहाँ भी कार्बन होगा, बेटा दिस इज क्यूबेन, दिस इज 3D स्ट्रक्चर, तो इसमें आठ पॉइंट है, और अगर आप देखोगे तो हर एक कार्बन के तीन तीन बॉन्ड कार्बन से जुड़े हैं। आप रूम में विजुलाइज कर लो, रूम में जो रूम के कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो तीन पॉइंट से जुड़ा होता है, तो उनमें हाइड्रोजन क्या होगा, एक, तो एवरी कॉर्नर ऑफ क्यूबेन इज हैविंग वन हाइड्रोजन, सो इट विल बी C8H8, और अगर C8H8 है बेटा तो चाहिए कितना, C8H18, इसका मतलब क्या होता है, 5H2 रिक्वायर्ड है। देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने लिया इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें काउंट करते हैं सर सिक्स रिंग है, एक क्यूब में फेसेस कितने होते हैं, सिक्स, तो बच्चे बोलते हैं सर सिक्स फेसेस है मतलब सिक्स रिंग है। बेटा इस तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आप, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कार्बन हाइड्रोजन काउंट करके, कोई भी अगर थ्री डायमेंशनल आपको स्ट्रक्चर दिया है तो बेटर यू प्रोसीड विद द काउंटिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो देखो ये प्यारा सा क्यूबेन है, क्यूबेन मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके का ये जुड़े हुए हैं सारे, है ना, सब में एक एक हाइड्रोजन है, एक एक कार्बन है, और C8H8, और C8 के लिए चाहिए 18 हाइड्रोजन, आप देखो 10 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, 10 हाइड्रोजन मतलब 5H2, तो क्यूबेन का जो DU आता है वो 5 आता है। तो बेटा यहाँ तक आप कॉपी में नोट कर लेना और इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भेज रहा हूँ अभी, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, लेकिन इसको देखने के बाद देखना, और ये अपना कहलाएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर वीडियो नंबर 1। इसके बाद जब मैं इसके अगला वीडियो होगा उसमें लिखा होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर वीडियो नंबर 2, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। कोई भी डाउट्स हो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, हाँ, और आप इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स कम से कम तीन चार बार रिवाइज करने होते हैं हमें, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। थैंक यू।